साहसी बालक। साहस और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी बचाई जा सकती है। आइए एक साहसी बालक की कहानी पढ़ें। गोविंदन नाम का एक बालक था। वह बहुत साहसी था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। स्कूल के समीप ही एक बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था। तभी गोविंदन ने देखा कि सामने से एक बस आ रही है। उसने सोचा, अगर यह बूढ़ा आदमी सड़क पार न कर पाया तो? पहले तो वह जोर से चिल्लाया, अरे रुको बाबा। इस पर वह बूढ़ा आदमी ठिठका तो, मगर रुका नहीं और आगे बढ़ गया। बस तेजी से आ रही थी। गोविंदन हाथ ऊंचा करके चिल्लाया, रुको रुको, हटो वहां से, बचो बाबा। पर वह बूढ़ा आदमी घबरा गया था और समझ नहीं पा रहा था कि किस ओर जाए। तभी गोविंदन चिल्लाता हुआ सड़क के बीच में आ गया। बस बहुत नजदीक आ गई थी। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और ब्रेक लगाया। दूसरी ओर गोविंदन ने धक्का देकर बूढ़े आदमी को सड़क के बीच से हटाया। दोनों किनारे पर जा गिरे। चीची की आवाज के साथ बस भी रुक गई। बूढ़ा आदमी बहुत डर गया था। गोविंदन ने उसे उठाते हुए पूछा, आप ठीक है ना बाबा? तभी बस ड्राइवर नीचे उतर आया। वह बहुत गुस्से में था और आकर गोविंदन को डांटने लगा। गोविंदन ने समझाने की कोशिश की, आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन ड्राइवर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी स्कूल के हेडमास्टर साहब वहां आ गए। उन्होंने ड्राइवर को समझाया और गोविंदन को शाबाशी दी। मास्टर साहब ने कहा, मैंने सब देखा है, मुझे तुम पर गर्व है। यदि एक पल की भी देरी हो जाती तो बूढ़े आदमी की जान चली जाती। ड्राइवर का सिर शर्म से झुक गया। सभी ने गोविंदन की सूझबूझ और साहस की प्रशंसा की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा गोविंदन को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।